प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी के ऊपर आए ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और आप बचाए जाएं, उतना ही प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपकी बीमारियों के लिए, आपके दुखों को उसने उठाया है, आपकी शर्मिंदगी को उसने उठाया है, उसने कांटों वाला ताज पहना है आपको ऊंचा करने के लिए, उसने शर्मिंदगी सही है। तो आपको ये मन में बिठा लेना है कि प्रभु मुझे चंगा करना चाहता है। लोग क्या करते हैं, वो छुटकारा लेने के लिए थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा वो प्रेयर में बढ़ते हैं, तो फिर को लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं हो पा रहा, मैं नहीं आजाद हो रहा, तो वो शैतान उनके मनों में डालता है, वो फिर उसी में वापस आ जाते हैं। तो मैं आपको इसीलिए सबसे पहले ये बता रही हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है आपको आजाद करने की, परमेश्वर की इच्छा है आपको छुटकारा देने की, परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले चंगे तंदुरुस्त शरीर के साथ उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। ये परमेश्वर की इच्छा, ये अपने माइंड में आपने बिठा लेना है। अब तो वो समय आ चुका है कि आप एक दिन भी प्रभु के बिना नहीं रह सकते, एक दिन भी आप अपने समय को, आप अपनी प्रार्थना को, आप प्रभु के साथ संगति को आप नहीं मिस कर सकते, एक दिन भी आप प्रभु के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी लाइफ परमेश्वर के बिना आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। आपको पता है, पूरी अपनी लाइफ ऐसे बना लो जैसे आपके लिए खाना जरूरी है ना, जैसे आपको पता है मेरे लिए खाना जरूरी है, जहाँ मेरे लिए ये चीज जरूरी है, ये आत्मिक लाइफ आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए और आपका इतना होना चाहिए कि नहीं मैं प्रभु के बिना ऐसे ऐसे नहीं मैं रह सकता, चार दिन ठंडे हो गया, चार दिन मैं गर्म चल बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैंने बड़ी प्रार्थना की, मैं तो उठा ही नहीं, तीन दिन हो गए मैं लगातार प्रेयर में हूँ, और उसके बाद फिर पता नहीं है दो दिन मिस, तीन दिन मिस, चार दिन मिस, ऐसे नहीं। हमेशा आपकी वो जो बत्तियाँ हैं वो आपकी हमेशा जलती होनी चाहिए, आप आत्मा में हमेशा मजबूत होने चाहिए, हमेशा आप ठंडे होके नहीं चल सकते। आपको पता है आप नहीं चल सकते ठंडे होके, क्योंकि वचन कहते हैं कि तुम शैतान की युक्तियों से, उसकी प्लानिंग से तुम अनजान नहीं हो। अनजान तुम कब नहीं हो, जब तुम वचन को पढ़ते हो, जब तुम्हें पता है। सिर्फ शैतान को एक थोड़ी सी ऐसे पैर रखने के लिए जगह चाहिए आपकी लाइफ में, थोड़ी सी ऐसे, जब उसको थोड़ी सी ऐसे पैर रखने के लिए जगह मिल जाती है कि हाँ उसको पता चल जाता है अब मेरी जो एंट्री है यहाँ से मेरी एंट्री हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी वो एक व्यक्ति की कमजोरी देखता है कि कहाँ इस व्यक्ति को मैं पकड़ूं, या कहाँ इस व्यक्ति की लाइफ में क्या है, उसको थोड़ी सी आपकी लाइफ में जगह चाहिए, एंट्री चाहिए। तो वो जब आप उस चीज़ को नहीं त्यागते, आप उस चीज़ में नहीं मजबूत होते, तो वो फिर पूरा आपकी लाइफ में एंट्री कर लेता है। इसलिए आपकी आत्मिक लाइफ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि शैतान का हमेशा आपकी लाइफ में उसको एक ही चीज़ दिखे, वो देखे क्या है, वो देखे नो एंट्री, नो एंट्री, वो एक ही चीज़ देखे, वो नो एंट्री, नो एंट्री, वो आपके जीवन को ऐसे देखे, वो जब आए वो बोले क्या लिखा है बताओ, ऐसे देखे, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। तो आपकी लाइफ में नो एंट्री का बोर्ड जो शैतान के लिए है वो हमेशा लगा होना चाहिए। ऐसे प्रभु के लिए आप हमेशा ऐसे समर्पित होने चाहिए कि प्रभु आ मेरे जीवन में काम कर, प्रभु आ मुझे छू परमेश्वर। हर समय आप जब भी जहाँ पे भी हो प्रभु के साथ आपका एक कनेक्शन, एक रिश्ता होना ही चाहिए। आप जहाँ पे भी रहो गैर जुबान में प्रार्थना करो, आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे पता है आपको आप प्रेयर नहीं कर सकते, गैर जुबान में प्रेयर करो, मन में प्रभु के साथ ऐसे ऐसे संगति में बने रहो, मन में प्रभु के साथ ऐसे बातें करते जाओ, उसको धन्यवाद देते जाओ उसके कामों के लिए जो उसने आपके जीवन में किए हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, अपने मन में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। तो जब आप इस तरह रहेंगे अपनी लाइफ में तो आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, आप प्रभु की हजूरी से भरे रहेंगे, तो फिर शैतान को कोई एंट्री नहीं मिलेगी ऐसे, तो वो देखेगा नहीं नहीं नहीं, तो वो आपके जीवनों में सदा ऐसा ही रहेगा पीछे, कभी वो आपकी ओर देखने के लिए कोशिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरा विश्वास है आज जितने लोग दुष्टात्मा से जकड़े हैं आज उनकी जिंदगियों के सामने, उनकी लाइफ के सामने नो एंट्री का बोर्ड लगने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है प्रभु आज मेरी कलीसिया को छूने जा रहा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, मेरा खुदा मेरी कलीसिया के हर एक दुख से
उनको आजाद करेगा, करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मेरा विश्वास है वो बीज आज परमेश्वर आपके जीवनों में लगाने जा रहा है और वो जल्दी वो बीज एक फल लेके आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक का कोई ना कोई प्रेयर का विषय, आपके हर एक जन के कोई ना कोई प्रार्थना के विषय है, आपका हर एक का कोई ना कोई ऐसे प्रेयर का विषय है कि प्रभु मेरी लाइफ के इस हिस्से में प्रभु तू काम कर। कोई व्यक्ति है जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, हर एक जन का कोई ना कोई प्रार्थना का विषय है और उसको उससे छुटकारा चाहिए, आपको उस विषय में उत्तर चाहिए। हर एक जन का ये टॉपिक है। कोई कहता है प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर, कोई कहता है प्रभु मुझे मैं एक नशे से छूटना चाहता हूँ, कोई किसी के घर में लड़ाई झगड़ा है उसकी लाइफ में छुटकारा नहीं है, किसी के हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती उनकी लाइफ में छुटकारा नहीं है, किसी का गुस्सा उसकी लाइफ में इतना है कि उसकी लाइफ में शांति नहीं है, किसी को कर्जे से छुटकारा चाहिए, किसी को बांझपन से छुटकारा चाहिए। हर एक जन का ये विषय है ना, हर एक जन का है, कोई ना कोई आपका विषय। आप सोच लो कि आपका क्या विषय है प्रेयर का, आप अपने प्रेयर के उस विषय को सोचो। कोई ना कोई आपका प्रेयर का विषय, किसी ना किसी से आपको छुटकारा चाहिए। आपने इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना है कि जितना आप अपनी लाइफ के लिए छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु मेरी लाइफ में इस हिस्से में काम कर, आपको पता है प्रभु उससे ज़्यादा चाहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पता है जितना आप चाहते हो ना कि मेरी लाइफ में ये काम हो, उससे बढ़ के प्रभु चाहता है कि आपकी लाइफ में ये काम हो, उससे बढ़ के प्रभु चाहता है कि आप अपने बोझ से आज़ाद हो जाएं, आप बोझ से आज़ाद होकर मेरी महिमा करें। जितना आप चाहते कि प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर, उससे बढ़ के प्रभु चाहते कि आपको दुष्ट आत्मा से, इस नशे से प्रभु आपको आज़ाद करे। क्योंकि शुरू से ही परमेश्वर का एक ही स्वभाव रहा है, एक ही परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सोचा कि मेरे बच्चे छुटकारे को ग्रहण करें, मेरे बच्चे छुटकारा लें, चाहे उसके बच्चे गलती भी करें, चाहे उसके बच्चे पाप भी करें, चाहे उसके बच्चे उसकी आज्ञाकारिता ना करें, फिर भी परमेश्वर का यही स्वभाव रहा है कि मैंने अपने बच्चों को माफ करना है, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ, मैं अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। आपके बच्चे जितने मर्जी बुरे हों, जितने मर्जी, पर फिर भी आप अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। ऐसा ही है ना, ऐसा है कि एक बच्चा पूरा बीमारी से तड़फ रहा है और उसकी माँ उसको देख के बड़ी खुश हो रही है, उसका बाप उसको देख के बड़ा खुश हो रहा है, ऐसा नहीं है। चाहे उसका बच्चा जितना मर्जी बुरा हो, पर उसके दुख को वो माँ देख नहीं सकती। इसी तरह जिस तरह आप अपने बच्चे के दुख को देख नहीं सकते, इसी तरह मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो स्वर्गीय पिता जो हमारा बाप है, वो भी आपको दुखों में, बीमारियों में, ऐसे बोझों में, वो भी आपको देख नहीं सकता। आपको पता है, आपने इस बात को अपने माइंड में सबसे पहले बिठा लेना है। जो लोग बोलते हैं कि क्या प्रभु की इच्छा है मैं आजाद हूं, परमेश्वर तुझे लगता है हो सकता है ये कि कभी मैं नशे से भी आजाद होऊंगा, जब कभी ये बीमारी भी मेरी लाइफ से जाएगी, आप सोचते हैं ये होगा या फिर मैं ऐसे मरूंगा। जितना आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक ऐसे ब्लेस लाइफ, आप अपने दुखों से आज़ाद होना चाहते हैं, उससे बढ़ के प्रभु चाहते हैं आपको आज़ाद करें। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने पाप किया, लोग कहते हैं क्या परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के पास कोड़ी आया, कहता प्रभु अगर तू चाहता तो मुझे शुद्ध कर, प्रभु कहते मेरी तो इच्छा है, मैं तो चाहता हूँ, अगर मेरी इच्छा ना हो, अगर मैं ये ना चाहता कि तू चंगा रहे, तो क्या प्रभु कहते वो जो सलीब के ऊपर मेरे कोड़े हैं वो तुझे दिखाई नहीं देते, कहते जो मैंने लहू बहाया क्या वो तुझे दिखाई नहीं देता, कहते वो जो कोड़े हैं, जो लहू है, कहता जो मैंने बहाया, तो कहता वो इसी के लिए तो है कि तू चंगा रहे, तू बीमारियों से आज़ाद रहे।
जितना प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार देने के लिए अपना लहू बहाया, आपको पापों से क्षमा करने के लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, 12 साल लहू बहने वाली उस औरत को प्रभु ने उस शर्मिंदगी से आजाद किया, उस लहू बहने वाला रोग जो इतने सालों से उसकी लाइफ में था कि उसका पूरा पैसा खर्च हो रहा, उसकी पूरी लाइफ वो एक शर्मिंदगी में थी, प्रभु ने उसे तुरंत चंगा किया। एक औरत जिसने पाप किया, प्रभु कहते जा, मैं तेरे ऊपर कोई पाप की सजा नहीं देता, जा मैं तुझे माफ करता हूं। तो ये परमेश्वर का एक स्वभाव है, ये परमेश्वर का एक चरित्र है अपने बच्चों के लिए, ये परमेश्वर का एक हृदय है आपके लिए, मेरे लिए, हर एक जन के लिए जो यहां पे बैठा है। 12 साल लहू बहने वाली उस औरत को प्रभु ने उस शर्मिंदगी से आजाद किया, उस लहू बहने वाला रोग जो इतने सालों से उसकी लाइफ में था कि उसका पूरा पैसा खर्च हो रहा, उसकी पूरी लाइफ वो एक शर्मिंदगी में थी, प्रभु ने उसे तुरंत चंगा किया। एक औरत जिसने पाप किया, प्रभु कहते जा, मैं तेरे ऊपर कोई पाप की सजा नहीं देता, जा मैं तुझे माफ कर। तो ये परमेश्वर का एक स्वभाव है, ये परमेश्वर का एक चरित्र है अपने बच्चों के लिए, ये परमेश्वर का एक हृदय है आपके लिए, मेरे लिए, हर एक जन के लिए जो यहाँ पे बैठा है। ये परमेश्वर का एक नेचर, एक स्वभाव, एक चरित्र, ये परमेश्वर का एक गुण, ये सबसे बड़ा कह सकते, ये परमेश्वर का एक प्रेम है हमारे लिए, ये परमेश्वर की एक प्रेम, ये परमेश्वर की एक दया है हमारे लिए कि उसने हम जैसे पापियों को चुना, पापियों को भी उसने माफ़ किया और चंगा किया, और चंगा करके अपनी लाइफ में उस परमेश्वर ने हमें अपनी लाइफ में खड़ा किया। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो शुरू से परमेश्वर की ये इच्छा रही है कि उसके लोग आज़ाद रहें, चंगे रहें। जब हम देखते हैं, जब आदम और हवा ने पाप किया तो वचन में लिखा, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला इस वाटिका के जितने भी फल हैं सब तुम खा सकते हो, ये सब कुछ कहते हैं तुम्हारा है। जैसे होता है ना एक इंसान की आदत कि परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया, बस उसको लगता है ये नहीं दिया, इसको मैं देखूं जरा इसमें क्या है। परमेश्वर ने इसको बोला कि पाप नहीं करना, मैं देखूं जरा जाके क्या है इसमें। तो इसी तरह उन्होंने, परमेश्वर ने बोला कि तुम ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारा अधिकार है, जो चाहो करो, पर तुम ये फल मत खाना, इसको छूना भी मत, इस फल को नहीं खाना। लेकिन फिर उन्होंने देखा, पता नहीं क्या परमेश्वर ने हमसे छुपा के रखा है, हम खा के देखें। उन्होंने उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं की, उस फल को खाया, उन्होंने पाप किया और उस पाप के कारण वो परमेश्वर से दूर हुए। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उनको दूर करने की, आपको पता है परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उनको दूर करने की, लेकिन जो पाप उन्होंने किया, जो शैतान ने उनकी जिंदगी में काम किया, उसने परमेश्वर की दया से, उसने परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की कृपा से, उस सुख से, उस शांति से, उन आशीषों से, उन बरकतों से जो परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखा था, उस अधिकार से उस पाप ने, उस बुराई ने उनको दूर किया। परमेश्वर ने नहीं दूर किया उनको, लेकिन उस पाप ने, उसने उनको दूर किया परमेश्वर से, उन सारी बरकतों से, उस अधिकार से उस पाप ने दूर किया। इसी तरह जब एक व्यक्ति पाप करता है, बुराइयों में रहता है, तो वो उस अधिकार से जो परमेश्वर एक व्यक्ति को देता है, तो वो पाप जो है वो एक व्यक्ति को उस अधिकार से दूर करता है। वो जो पाप है वो दूर करता है कि वो नहीं एक व्यक्ति के अंदर हियाव आने देता, दिलेरी आने देता, वो पाप नहीं उनको बोलने देता कि हाँ ये सब कुछ मेरा है, क्योंकि उसको पता है वो शैतान एक व्यक्ति के मन में ऐसी भावना को डालता है। पर प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको माफ़ करता है, आपको क्षमा करता है, आपको आज़ाद करता है, आपको फिर से वो साफ करके परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, हियाव देता है, दलेरी देता है, और आपको फिर से वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार देता है। इसलिए उसके लहू के लिए जो उसने बहाया, उसके कीमती लहू के लिए पहले उसका धन्यवाद करो, जो मूल्य उसने दिया, जो लहू उसने बहाया। सचमुच अगर यीशु का लहू ना बहाया जाता तो सचमुच एक व्यक्ति दोष में ही मर जाता, एक व्यक्ति दोष से ही खड़ा ना हो पाता। आज एक व्यक्ति को क्या हियाव देता है
वो परमेश्वर का प्रेम एक व्यक्ति को हियाव देता है, वो परमेश्वर की दया, वो परमेश्वर का लहू एक व्यक्ति को हियाव देता है कि परमेश्वर का लहू जो है, परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो प्रेम है, कोई बात नहीं, अगर तूने गलती की है, अगर तू सच्चे हृदय से आज अपने पापों की क्षमा मांगता है कि प्रभु आज मुझे माफ कर, मैंने गलती की, तो वो परमेश्वर का लहू, प्रभु की दया आपके लिए बोलती है और आपको फिर से वो हियाव और दलेरी के साथ वो खड़ा कर देती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर की एक दया है, इसलिए उसकी दया को हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने बताया कि प्रभु का हमेशा ये स्वभाव रहा है, जिस तरह आदम और हवा ने गलती की तो वो परमेश्वर से अलग हुए, वो छिपे, वो शर्मिंदा हुए, वो परमेश्वर से ऐसे छिपे, परमेश्वर ने उनको बोला आदम तू कहाँ है, वो छिपा, क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया उसकी आत्मिक आंखें जो थी वो बंद हो गई, उसकी शारीरिक आंखें जो थी वो खुल गई, कहता हम तो नंगे हैं, वो ऐसे छिपा, वो शर्मिंदा हुआ। इसी तरह आज लोगों को ऐसी चीज़ें जो हैं उनको छिपा के रखती हैं, ऐसे बोझ के नीचे वो छिपके रहते हैं, उनको पाप, उनको वो बोझ, उनको वो शर्मिंदगियाँ उनको उठने नहीं देती। नशा एक व्यक्ति की लाइफ में शर्मिंदगी का कारण बनती है, एक दुष्टात्मा उसकी लाइफ में एक शर्मिंदगी का कारण बनती है। ऐसे देख लो जो चीजें आपकी लाइफ में खड़ा नहीं होने देती, आपको उठने नहीं देती, आपको एक शर्मिंदगी में रखती है, इसी तरह वो ऐसे छिपे परमेश्वर से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके लिए अच्छा नहीं, प्रभु आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है। परमेश्वर आपके लिए केवल अच्छा नहीं, प्रभु आपकी लाइफ में केवल अच्छा नहीं करना चाहता, प्रभु आपकी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहता है। आज से आपने बोलना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में अच्छा नहीं, पर प्रभु मेरी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहता है। जब आपने इस चीज को सीख लिया, जब आपने इस चीज की नींव बना ली कि हाँ कुछ भी हो मेरी लाइफ में, चाहे कोई भी हालात, कोई भी शैतान मुझे जो भी दिखा रहा है, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, पर मैं इस बात के ऊपर विश्वास करूंगा कि परमेश्वर मेरी लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहता है, तो सचमुच जब आप खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, बने रहेंगे उस गवाही की तरह, जिस तरह उस सिस्टर ने गवाही दी कि मैं बनी रही, खड़ी रही, मुझे पता था मेरा परमेश्वर मुझे आजाद करेगा क्योंकि वो भला परमेश्वर है, कहती मैं खड़ी रही। इसी तरह जब आप खड़े रहते हैं प्रभु के लिए, प्रभु को पुकारते रहते हैं, परमेश्वर के आगे दुहाई देते रहते हैं, तो वो आपको एक दिन जरूर गवाही के साथ वो खड़ा करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इसलिए वो आपकी जिंदगी में बहुत ही अच्छा करना चाहता है। मैं आपके ऊपर ये घोषणा करती हूँ, वो आपके जीवन में बहुत अच्छा करना और वो आपके बारे में बहुत अच्छा आपको देखना चाहता है वो, और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिस तरह वचन में लिखा है, जब हम उत्पत्ति उसकी 3:21 को पढ़ते, उसमें लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने, उन्होंने गलती की, वो परमेश्वर से छिपे, वो ऐसे शर्मिंदा होने लगे, पर फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की, फिर भी परमेश्वर ने उनके नंगेपन को ढका, फिर भी परमेश्वर ने उनकी शर्मिंदगी को दूर किया, फिर भी परमेश्वर ने जिस चीज़ से वो छिप रहे थे, परमेश्वर ने, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। पुराने नियम में जिस तरह परमेश्वर ने आदम और हवा की लाइफ में उनके नंगेपन को, उनकी शर्मिंदगी को कवर किया, ढका, इसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भी ये स्वभाव है। इसीलिए वो आपकी लाइफ में, इसीलिए परमेश्वर ने, पिता ने अपने बच्चों को देखा, उन्होंने देखा मेरे बच्चे जो हैं वो शर्मिंदगी में हैं, मेरे बच्चे जो हैं ये इस हालात में हैं, मेरे बच्चे जो हैं इस बीमारी में हैं, इसीलिए उसने आपको आपकी शर्मिंदगियों में,
आपको उसने देखा नहीं बल्कि आपको देख के उसने तरस खाया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारी शर्मिंदगी दूर करने के लिए, हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें हमारे पापों को माफ़ करने के लिए, इसी तरह उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए यहाँ पे भेज दिया और हमारे लिए उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। शुरू से ही परमेश्वर की ये दया रही है अपने बच्चों को क्षमा करने की, अपने बच्चों को माफ़ करने की, चाहे उनके बच्चे कितने मर्जी बुरे क्यों ना हो। हमें परमेश्वर ने छुड़ाया, प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया। इसी तरह आपको ये समझ लेना है कि परमेश्वर मुझे आज़ाद करना चाहता है, परमेश्वर मुझे इस बोझ के नीचे नहीं देखना चाहता। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति शर्मिंदगी में है, एक बोझ के नीचे है, एक बोझ के नीचे वो दबा हुआ है, लेकिन उस बोझ से, उस बीमारी से, उस शर्मिंदगी से आपको क्या आज़ाद कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु की हजूरी। कौन आपको आज़ाद कर सकता है? कौन आपको आपके दुखों से, आपकी बीमारियों से, आपकी शर्मिंदगियों से, आपके बोझों से कौन छुड़ा सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ और सिर्फ वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का वो अभिषेक, वो सामर्थ, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वो हजूरी ही आपको आज़ाद कर सकती है। क्योंकि वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक बंधन, हर एक बोझ तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं चकनाचूर कर दिया जाएगा ऐसे। तो अगर आपने अपनी लाइफ में छुटकारा लेना है तो आपको क्या करना होगा? प्रभु की हजूरी में बढ़ना होगा, अभिषेक में बढ़ना होगा, परमेश्वर के साथ एक संगति में बढ़ना होगा, प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में जाना होगा, प्रभु को पुकारना पड़ेगा, दीन होना होगा, नम्र होना होगा, दीन होके परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनेगा और आपको ज़रूर परमेश्वर छुटकारा देगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।